सवाल है रमन का, वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कितने कुर्ते हैं और कितने गमछे हैं, आपकी याददाश्त इतनी तेज क्यों है, टिप्स मांग रहे हैं याददाश्त के लिए। देखिए कुर्तों का तो नहीं पता है, कुर्ते खरीदने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है गुरु, खादी में सेल लगती है, प्रधानमंत्री इस बारे में कहते हैं 2 अक्टूबर को सेल लगती है 20-25-30% की, खादी बहुत सस्ता है, जितना तुम लोग महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदते हो 200-250-300 रुपए में बढ़िया कुर्ता भैया। एक मेरा सवाल, आप बहुत समय तक कानपुर में रहे हैं, क्या आपको पता है कानपुर में कितने घंटाघर है, आपकी नॉलेज के लिए कुछ हमें नॉलेज नहीं भैया, आप बहुत समय तक सर 7 घंटाघर सर बहुत जी, मैं देखिए बहुत सिंपल सवाल है जो मैंने हिस्टोरियन से पूछा था, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हम लोगों को हमेशा लगता है, और ये सिर्फ कानपुर के लिए नहीं, जो भी देख रहे हैं, कोई मसीहा नहीं आएगा ऊपर से, अपने शहर को अपने मुल्क के मुकद्दर को हमें और आपको संभालना है, अपने आस पास मैम सेल्फी को लेके तो मैं थोड़ा नहीं लगाऊंगा। हमारा सवाल ये है इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को जो बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है, मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुनाफे से दूर होने चाहिए। आपने तो कोई आईएनसी का पूछा था, इधर है सर जी, आईएनसी बहुत सिंपल फॉर्मूला भैया, पत्रकार बनने का भाषा पर अच्छी पकड़, इतिहास संस्कृति भूगोल की अच्छी जानकारी और लिखने का अभ्यास, देखो ऐसा है ना, बहुत सी दूसरी बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं दीदा विद्यालय और गेमिंग में पढ़ा हूँ, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक ना हो जाते हैं।